टीवी के पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अपने खास अंदाज के लिए फेमस दयाबेन का रोल करने वाली एक्ट्रेस दिशा वकानी को लोग काफी पसंद करते हैं। कई साल बीत चुके हैं लेकिन दयाबेन के रूप में उन्हें इस शो में देखने की राह लोग देख रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिशा वकानी को इतना फेमस होने तक काफी संघर्ष करना पड़ा है। दिशा वकानी ने थिएटर से लेकर बी ग्रेड फिल्मों में काम भी किया है। जी हाँ, ये बताते हैं आपको कि दिशा वकानी का करियर अब तक कैसा रहा। दिशा वकानी का अहमदाबाद में हुआ जन्म। आपको बता दें कि दिशा वकानी का जन्म अहमदाबाद की एक गुजराती फैमिली में हुआ था। दिशा ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई ड्रामेटिक से की थी, थिएटर से शुरू किया करियर। दिशा वकानी ने अपने करियर की शुरुआत गुजराती थिएटर से ही की। दिशा ने बतौर स्टेज आर्टिस्ट अपना करियर शुरू किया था। शुरुआत में किया स्ट्रगल। दिशा वकानी को इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। दिशा को करियर की शुरुआत में काफी परेशानी भी आई थी क्योंकि वो एक स्ट्रगलर थी और उन्हें उस दौरान काम मिलने में काफी दिक्कतें हो रही थी। बी ग्रेड फिल्मों में किया काम। दिशा वकानी को जब काम नहीं मिला तो उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू किया। दिशा वकानी ने साल 1997 में फिल्म कम्स इन द अनटच में काम किया था। फिल्म में दिए बोल्ड सीन। दिशा ने डेब्यू फिल्म कम्स इन द अनटच में बोल्ड सीन दिए थे। हालांकि उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों में ज्यादा काम नहीं किया था और उसके बाद टीवी का रुख कर लिया। दिशा ने फिर टीवी की दुनिया में ही अपने कदम आगे बढ़ाए। तमाम टीवी शोज में किया काम। दिशा वकानी टीवी इंडस्ट्री में तमाम शोज में काम कर चुकी हैं। दिशा वकानी के इन शोज की बात की जाए तो इसमें आहट, खिचड़ी, शुभ मंगल, सावधान, सीआईडी जैसे शो शामिल हैं। हालांकि उन्हें पहचान मिली तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन के किरदार से। बेशक दिशा वकानी ने अपने अब तक के करियर में कई शोज दिए हैं लेकिन जो उन्हें दयाबेन के रूप में पहचान और प्यार मिला है वो किसी भी शो से नहीं मिल पाई।